हाँ प्रिया के बगैर ठीक ही नहीं। आई एम सॉरी, हम मिस्टर राम कपूर को बचा नहीं पाए। अभी 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 क्या राम? मेरी छोटू सिस्टर कहाँ है? अब बेटा आपको कैसे पता कि आपके छोटी बहन हुई है? हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हैं जोगेश्वरी लोकल रेलवे स्टेशन, और ये वेस्ट में हूँ मैं खड़ा, और ये मेरे सामने आप ये देखेंगे, ये जो सामने आपको गेट दिख रहा है ये है एम्प्रेस स्टूडियो, ये जोगेश्वरी वेस्ट में है। और अगर हम मलाड की तरफ से जोगेश्वरी आते हैं तो SV रोड से हमें टेलीफोन एक्सचेंज से लेफ्ट लेना पड़ता है, उसके बाद हम इस लेन में आकर, ये लेफ्ट साइड में स्टूडियो है, लेकिन ये बाहर से आपको स्टूडियो का पता नहीं चलेगा, तो आपको ये बहुत नज़दीक आके देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ दोस्तों। और अंदर से मैं दिखाता हूँ, ये है इसकी बिल्डिंग, ये फ्रंट साइड है इसका एम्प्रेस स्टूडियो का, लेकिन इस वक्त आजकल यहाँ पर इस एरिया में शूट नहीं होता है, ये एरिया जो है बाकी पर्पज़ के लिए ऑनर ने दिया हुआ है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये जो एम्प्रेस स्टूडियो है इनके ऑनर हैं एक्टर अपना पंकज धीर। जी हाँ, पंकज धीर, आपने बिल्कुल सही सुना, और ये वाला एरिया उन्होंने शूटिंग के लिए नहीं दिया हुआ है दोस्तों। और जिस साइड शूटिंग होती है दोस्तों, मैं उस तरफ आपको लेके जा रहा हूँ, यहाँ से हम अंदर जाएंगे, ये उसका कॉरिडोर है, इस साइड शूटिंग होती है दोस्तों। ये देखो एम्प्रेस स्टूडियो का अपना बोर्ड लगा हुआ है, और यहाँ से राइट एंटर करेंगे, ये है दुर्गा माता की मूर्ति, शेरा वाली माँ की, और इसके पास ये सामने जो है, और ये जो रूम आप देख रहे हैं ये अपना ड्रेस दादा का रूम है, यहाँ पे सब शूटिंग के जो कॉस्ट्यूम होते हैं वो प्रेस प्रेस होते हैं, रेडी करके यहाँ से दिए जाते हैं। और ये है ग्रीन रूम, यानी कि मेकअप रूम आर्टिस्ट के लिए, आपको दिखाता हूँ, और ये सामने फीमेल आर्टिस्ट और ये मेल आर्टिस्ट, ये है वॉशरूम उनके लिए अलग अलग, जेंट्स और फीमेल के लिए, और ये दोनों साइड है मेकअप रूम, लेफ्ट और राइट साइड, और ये देखिए ये खुला है रूम ये ऐसे, और ये देखिए ये सामने चेयर है, और ये है ड्रेसिंग रूम, यहाँ पे मेकअप वगैरह होता है, रेडी होते हैं आर्टिस्ट, और ये बेड है, और इसके ऊपर गद्दा, यहाँ ये गद्दा यहाँ रखा हुआ है, AC लगा है, तो ऐसे में 1, 2, 3, 4 नंबर ऐसे नंबर करके यहाँ पे मेकअप रूम है, और ये अंदर जो यहाँ पे जो सुपरवाइजिंग करते हैं उनके लिए रूम है, यहाँ पे वो चाय वाय बनाते हैं, और ये वैसा एरिया है, यहाँ उनके बैठने के लिए जगह है जो इसकी देख रेख करते हैं दोस्तों। तो ये दोनों साइड आप देख सकते हैं गैलरी के बीच में। तो गाइस अभी मैं हूँ एम्प्रेस स्टूडियो के अंदर, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे कौन सा सेट लगा हुआ है, आइए भाई। और यहाँ से दोस्तों एंटर करते हैं हम, ये जो सेट बना हुआ है यहाँ पे हॉस्पिटल का सेट बनाया गया है, ये है हॉस्पिटल का रिसेप्शन एरिया, सामने आप कैमराज देख सकते हैं, 3 कैमराज हैं, और ये रिसेप्शन का एरिया है हॉस्पिटल का शूट करने के लिए, देखिए ये सामने आप देखिए रिसेप्शन का एरिया है, यहाँ पे ये सोफा लगे हैं, यहाँ पे आप शूट कर सकते हैं प्रॉपर रिसेप्शन का एरिया हॉस्पिटल का, और ये गैलरी है यहाँ से, हाँ ये लेफ्ट साइड में हम एंटर करते हैं, तो ये बेड्स बने हुए हैं यहाँ पे, बहुत सारे बेड्स हैं, ये वार्ड दिखाया जाता है जब हम शूट करते हैं हॉस्पिटल के सीन, ये उसके लिए बेड लगे हुए हैं यहाँ पे दोस्तों, पूरा इक्विपमेंट रखे हुए हैं हॉस्पिटल में जैसे होते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे सेटअप रेडी है दोस्तों। यहाँ पे आज शूटिंग होने वाली है, मैं दिखाता हूँ किस चीज़ की शूटिंग होगी यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, व्हील चेयर भी यहाँ पे रखी हुई है, और यहाँ से हम कॉरिडोर से आगे बढ़ते हैं, ये भी एक रिसेप्शन का एरिया है हॉस्पिटल के अंदर, भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति, और ये जो एरिया है इसके बाहर लिखा है OT ऑपरेशन थिएटर, यहाँ पे ऑपरेशन थिएटर का सीन, एग्जिट वाला जो डोर रहता है वो फिल्माया जाता है, और ये है कंसल्टेशन रूम,
ये दोस्तों देखिए, यहाँ पे डॉक्टर और पेशेंट की जो कंसल्टेशन की कन्वर्सेशन होती है वो यहाँ पे सुनाई जाती है। ये पहले यहाँ पे चेकअप कराया जाता है, चेकअप करते हुए ये कुछ बायोलॉजी के कुछ डायग्राम है, यहाँ पे ह्यूमन ऑर्गन्स के डायग्राम कुछ दिखाई देता है। तो ये कंसल्टेशन यहाँ डॉक्टर करता है पेशेंट के साथ, तो इस तरह से ये सेट है। ये उसका कॉरिडोर है, आप बाहर जाते हुए देख सकते हैं। और यहाँ पर शूटिंग की तैयारी हो रही है, कुछ सामान वामान जो है सेट किया जा रहा है। तो थोड़ी देर में दिखाता हूँ यहाँ पे क्या शूट होने वाला है।